हम करें भगवान शंकर का भजन, हम करें भगवान शिव की भक्ति, हम करें भगवान शंकर का गुणगान, हम करें भगवान शिव का स्मरण। और वो शिव भक्ति, वो शंकर भगवान का गुणगान, वो भगवान शंकर की अविरल भक्ति हमारे जीवन को सुख प्रदान करने वाले खींचरा जला। हमारे शिव की भक्ति हमारे जीवन को आनंदता प्रदान करने वाली। आप करो ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु जी से कह दिया तुम्हारे पिता कौन है, भगवान नारायण ने कह दिया मेरे पिता स्वयं देवाधिदेव महादेव है, मेरे पिता भगवान शिव है। ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ, ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ, क्या नारायण के पिता शिव होंगे। एक बहू को सास बार बार समझाती है, हमारी सास ने हमको ऐसा किया, हमारे सास ने ऐसा किया, हमारी सास ने ऐसा किया, हमारे सास ने ऐसा किया, हमें ये तकलीफ आई, हमें ये तकलीफ आई, हमारी सास ने हमारी जिंदगी में ऐसा किया। एक सास अपनी बहू को समझाती है कि हमने ऐसा ऐसा दुख अपने जीवन में देखा है। हमने ऐसा ऐसा दुख अपने जीवन में देखा है, हमारी सास का जो स्वभाव था, हमारे सास का जो स्वभाव था वो बड़ा कठिन था, बड़ा कठोर स्वभाव था। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा, भगवान नारायण ने ब्रह्मदेव से कहा कि मेरे जो पिता है ना भगवान शिव, वो साधारण नहीं है। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से कहा, अगर आप कहते हो कि शंकर भगवान आपके पिता हैं, भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं अगर आप कह रहे हो कि भगवान शिव आपके पिता हैं, भगवान देवाधिदेव महादेव आपके पिता हैं, तो ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है, बड़ी विचित्र बात है। तो भगवान विष्णु ने कहा, क्यों आपको भरोसा नहीं है क्या, आपको विश्वास नहीं है क्या कि शिव मेरे पिता हैं, ये आपको भरोसा नहीं है, ये आपको विश्वास नहीं है। नहीं नहीं, एक किसी के घर में घुसना और एक किसी के दिल में घुसना, एक घर में प्रवेश करना और एक हृदय में प्रवेश करना बड़ा कठिन है। विश्वास भरोसा एक इतना विशेष शब्द है कि ये आपके भीतर उतरना बड़ा कठिन है। दो चीजें बड़े सावधानी में रखिएगा, एक विश्वास भरोसा और एक शक, ये दो चीजें बड़ी ध्यान रखने वाली बात है। एक विश्वास भरोसा, दूसरा है शक, दूसरा है शक। ये दो चीजें बड़ी विचित्र है। हर किसी व्यक्ति पर शक भी मत करो, क्योंकि हो सकता है कि वो ठीक हो और आप अपने मन से गलत सोच रहे हो, क्योंकि तुमने सोचा वो व्यक्ति वैसा निकल जाए। दूसरा नंबर पर है विश्वास भरोसा, इतनी जल्दी मत करना, एक शक भी इतनी जल्दी मत करना और एक भरोसा भी इतनी जल्दी मत करना। कोई तुमसे मीठी बात करे, बहुत प्रेम की बात करे और तुम एकदम विचार कर लो कि यही पूरा, इस पे पूरा भरोसा, इस पे पूरा आपका दृढ़ता है, ना 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 ना। शिव महापुराण की कथा कहती है दो चीजें थोड़ा सा कंट्रोल रखकर चले, एक शक पर और एक विश्वास पर। और हम तो आपसे भी कहेंगे, जितने लोग कथा सुनने आए, जितने भी यहां पंडाल में बैठे और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, आपसे भी निवेदन है, आपका विश्वास शिव के प्रति हो, आपका विश्वास भगवान की कथा के प्रति हो, आपकी दृढ़ता परमात्मा के प्रति हो, तो आप कथा में जाओ। और आपका अगर विश्वास नहीं है, आपका भरोसा नहीं है, आपकी दृढ़ता नहीं है, तो आपको कथा में जाने की जरूरत नहीं। अपने घर पर रहो, चार रोटी ज्यादा खाओ, आराम से टीवी देखो और सो। विश्वास हो तो परमात्मा है, और विश्वास नहीं तो परमात्मा भी नहीं है। यह भरोसे से परमात्मा की प्राप्ति। एक विश्वास के साथ अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, एक दृढ़ता के साथ आप भगवान का भजन कर रहे हो, एक विश्वास के अनुकूल आप भगवान की भक्ति को धारण कर रहे हो, आप विश्वास के साथ परमात्मा का भजन कर रहे हो, तो यह मानकर चलना कि परमात्मा तुम्हारे साथ में है। और अगर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, दृढ़ता नहीं है, तो गए।
सती मैया का भोलेनाथ जी पर विश्वास डिग नहीं पाया, सती मैया का भोलेनाथ जी पर भरोसा पूर्ण नहीं हो पाया। सती जी ने शंकर भगवान से कह दिया, आप कह रहे हो कि ये राम है, आप कह रहे हो कि ये परमात्मा है, और ये तो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है। अगर ये अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं तो ये परमात्मा नहीं हो सकते। ये माता सती भगवान देवाधिदेव महादेव से करेंगे, जिनके साथ रह रही है, जिनके सम्मुख है, उसके बाद भी उनका विश्वास, उनकी दृढ़ता, उनका भरोसा पक्का नहीं हो पाया, और उन्होंने कह दिया कि ये परमात्मा नहीं हो सकते। तो भगवान ने कह दिया, जाके परीक्षा लेकर आ जाओ, जाकर परीक्षा ले। और सती मैया परीक्षा लेने के लिए गई। सती माता परीक्षा लेने के लिए जब गई, सीता जी का रूप रखकर उन्होंने परीक्षा ली, और भोलेनाथ जी को यह ठीक नहीं लगा, विश्वास टूट गया। पति जरा सा फोन पर बात कर रहा है, पत्नी ने शंका करना चालू कर दी, समझ लो घर टूटने वाला है। पत्नी फोन पर बात कर रही और पति ने शंका कर ली, समझ लो घर टूटने वाला है। बहू थोड़ी देर, छोटी बहू थोड़ी देर सास के पास बैठी तो बड़ी को शंका लगी, तो घर टूटने वाला। किस शंका में हम जिंदगी जी रहे? अरे भाई, शिव कथा कहती है, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में, और जीत तुम्हारे हाथों में। आपने अगर भरोसा करा है तो परमात्मा तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। अगर तुम्हारा विश्वास दृढ़ है तो परमात्मा तुम्हारे साथ चल रहा है। एक विश्वास और एक शंका, एक शक, ये दो चीजें बड़ी सावधानी की हैं। विश्वास भी सावधानी का है और शक भी सावधानी का। ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ कि शंकर भगवान भगवान विष्णु के पिता हैं, ये विश्वास नहीं हुआ। दुनिया के लोगों को भी विश्वास नहीं हुआ था, क्या शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़ाने से सारी समस्या का हल हो जाता है? दुनिया के लोगों को भी विश्वास नहीं हुआ था, क्या बेलपत्र खाने से शुगर और बीपी का लेवल बराबर हो जाता है? एक बेलपत्र शंकर जी पे चढ़ी हुई खाने से क्या थायराइड ठीक हो सकता है? विश्वास नहीं था लोगों को। क्या एक बेलपत्र से फरासेस की बीमारी ठीक हो सकती है? लोगों को विश्वास नहीं था। क्या एक शंकर भगवान की आराधना करने से क्या 20 साल में, 25 साल में, 10 साल में, 8 साल में, 15 साल में गर्भ ठहर सकता है? विश्वास नहीं था लोगों। बेलपत्री से क्या थायराइड ठीक हो सकता है? एक बेलपत्री से, शंकर जी पे चढ़े हुए जल से क्या रोग मुक्ति हो सकती है? शंकर जी पे चढ़े हुए जल से क्या हमारा दुख मिट सकता है? शिव जी के चढ़े हुए जल को पीने से क्या हमारी तकलीफें समाप्त हो सकती है? कभी जिंदगी में मौका मिले सियोर वाले महाराज पर अगर भरोसा भी ना करो तो अपनी जिंदगी में गीता प्रेस गोरखपुर की एक शिवमहापुराण की कथा, एक शिवमहापुराण की पोथी हिंदी की खरीद कर लेकर आना, और उसको लाकर पढ़ना चालू करना। स्कंद पुराण खरीद कर लाना, उसको पढ़ना चालू करना। लिंग पुराण खरीद कर लाना, उसको पढ़ना चालू करना। उसमें आपको मिलेगा कि शंकर भगवान के शिवलिंग में वो बल होता है कि अच्छे अच्छे रोगों को भी चढ़ा हुआ जल उस रोग को भी समाप्त कर देता है। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है शंकर। ये आप लोग सुनने बैठे हो कथा, बहुत देखिए, बहुत मैनपुरी वालों, बड़े बड़े भाव से आप लोग कथा करवा रहे हो, और बड़े भाव से आप अधिक मास के महीने में सुन रहे हो। एक एक विचार करिएगा कि किसी का मन कथा में लग भी जाएगा, और कोई कोई ऐसा होगा जिसका मन कथा में नहीं भी लगेगा। जिसका नहीं भी लगाना, उसको भी दुख मनाने की जरूरत नहीं है। ये सोच लेना कि उसके दरवाजे तक पहुँच गए ना, तो वो तुम्हारे दरवाजे तक पहुँच ही जाएगा। ये इतना अनुभव जरूर रखना। थोड़ा कष्ट हो सकता है, थोड़ी तकलीफ आ सकती है। हम कल भी कथा में कहे थे कि वीआईपी जगह से आने के लिए आप कार्यकर्ता से झगड़े नहीं, वीआईपी जगह से आने के लिए आप प्रशासन से कुछ बोले नहीं, वीआईपी जगह से आने के लिए आप कुछ ना करिए। आपसे निवेदन, आप तो ऐसी जगह जाकर बैठ जाओ जहां कोई नहीं बैठा। उस जगह पर बैठकर भी अगर माइक की आवाज तुम्हारे कानों में आ रही है, जब उठो तो वहां की भूमि को केवल मस्तक से लगाकर प्रार्थना कर चले जाना कि बाबा मैं तेरे भरोसे जा रहा हूं। अब तुझे संभाल लेना, अब तुझे देख लेना। अब मैं क्या बोलू, मैं क्या देखूंगा? खाली ना प्रेशर बड़ा बाबू, खाली ना जाता कोई डर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूं नदी पारे फसारे। ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ कि नारायण भगवान के पिता शिव हो सकते हैं, यह भरोसा नहीं, यह विश्वास नहीं।
हमको भी भरोसा नहीं होता, हमको भी विश्वास नहीं होता है, क्या शिवजी पे चढ़ा हुआ जल रोग से मुक्ति दे सकता है? क्या शंकर भगवान पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाने से शुगर बीपी बराबर रह सकता है? आप में से कई लोग बैठे होंगे जो बहुत दिन से शुगर के लिए बेलपत्र खा रहे होंगे, और आपकी भी शुगर लेवल में बबल चला रहा होगा, दवाई की जरूरत नहीं पड़ रही होगी। ये उसके ऊपर भरोसे के साथ खाइए। एक बात आपसे पूछें, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी आपका बुखार नहीं उतरता, कभी कभी आपके शरीर का कष्ट नहीं जाता, और तुम डॉक्टर के पास पहुंची ना, और डॉक्टर के पास जाने के बाद तुमने डॉक्टर सामने तुम्हारा हाथ पकड़ा और उन्हें आला लगाया, और आला लगाकर तुम्हें चेक करा और तुमसे पूछा क्या क्या तकलीफ हो रही है, और तुमने कह दिया साहब मेरे को भोजन नहीं भा रहा है, और मेरा पेट मरोड़ होता है और तकलीफ होती है, और मेरी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और सर्दी बहुत रहती है, और फेफड़े में कब जमा होता है, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। तुमने सब कुछ डॉक्टर को कह दिया, जितना कह सकती थी कह दिया। अब क्या हुआ, डॉक्टर ने गोली दी, और गोली तुम कब जाकर खाओगे? घर जाकर। पर ईमानदारी से बोलना, गोली तुम घर पर जाकर खाओगे, गोली खाने के बाद वो असर करेगी, पर तुम डॉक्टर के पास जब पहुंची, जब कैसी हो रही थी, एकदम लुस्त, एकदम ऐसी हो रही थी जैसे मर जा रही, एकदम पड़ी है, और डॉक्टर के यहां पहुंची, पहुंचने के बाद उसने देखा, तुमने उसको सब बता दिया, उसने गोली लिख दी, उसके बाद में तुम जब डॉक्टर के यहां से वापस जाती हो, गाड़ी में बैठ कर गई, तब तक तुम्हें इतनी अच्छे लगने लगता है कि मैं थोड़ी थोड़ी ठीक हो गई, केवल डॉक्टर ने नब्ज देखी, केवल डॉक्टर ने तुमसे पूछा, केवल डॉक्टर ने तुमको चेकअप करा, केवल डॉक्टर ने अभी तो गोली लिखी और खाई भी नहीं, अभी तो घर जाएगी, खाएगी उससे पहले ही, घर आते से ही 2 घंटे के अंदर तो तन तनाट एकदम बढ़िया हो गई, अभी तो गोली खाई नहीं, गोली तो खाना खाएगी फिर खाएगी, पर उससे पहले तो ठीक हो गई। अर्थात कारण क्या था, क्या डॉक्टर के हाथ में क्या जादू था, क्या डॉक्टर के हाथ में कोई ऐसी एनर्जी थी जिससे तू ठीक हो गई? ना ना ना, शिव पुराण कहती है डॉक्टर के पास जाकर तुमने अपने दिल का जो गुब्बार था, अंदर की जो बात थी, जो जो तकलीफ हो रही थी, वो सारी तकलीफ तुमने डॉक्टर से कह दी, कहकर तुम हल्के हो गए, इसलिए तुम ठीक हो गए। तुम अपने दिल की बात भगवान से कहकर हल्के हो जाते। आप अपने मन की बात, अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात, अपने भीतर की बात परमात्मा से कहो, हल्के भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, कहकर हल्के हो जाए। भोले बाबा जपूं तेरी माला, मेरे बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। अपने दिल की बात कहकर हम देव अधिदेव महादेव से बोलकर हल्के हो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान विष्णु से कि आपके पिता शिव जी हैं नारायण, आप कह रहे हो कि आपके पिता शंकर जी हैं, और पर मेरा विश्वास नहीं करता कि आपके पिता शिव जी होंगे। तो भगवान नारायण ने पूछा कि ब्रह्मा जी तुम कैसे कह सकते हो कि मेरे पिता शंकर जी नहीं है, तुम कैसे कह सकते हो, तब तुम बोल कैसे सकते हो कि मेरे पिता शिव नहीं है? कहा मुझे एक कारण से लगता है। क्या कारण है? कहा अगर शंकर जी आपके पिताजी होते तो उनके पास में तो ढेरों संपदा होती, क्योंकि आपके चरणों में लक्ष्मी पड़ी हुई है, आपके चरणों में लक्ष्मी है, आप बैकुंठ का निवास करते हो, आपके पास में ढेरों संपदा है, आपके पास में ढेरों सुख है, लक्ष्मी है, अष्ट लक्ष्मी आपके पास में विराजमान है, ढेरों संपदाएं आपके पास में विराजमान है, ढेरों संपत्ति आपके पास में विराजमान है, और आपके पिताजी भगवान देवाधिदेव महादेव को देखो तो कैलाश पर दे रहे हैं, शमशान में दे रहे हैं, उनके पास में क्या है? गले में सांप पड़ा हुआ है, धतूरा रखा हुआ है, बेलपत्र रखी हुई है, गंगा जी का जल रखा हुआ है, मुंडों की माला, रुद्राक्ष की माला, केवल यही उनके पास में। आपके अगर पिता शिव हैं तो शंकर भगवान को भी तो धनपति दिखना था, करोड़पति दिखना था, संपदावान दिखना था, वैभववान दिखना था, फिर वो कमजोर क्यों दिख रहे हैं? फिर उनके पास में ये कुछ संपदा, ये सत्ता, ये वैभव, ये सारा सुख उनको तो नहीं दिख रहा।
भगवान नारायण ने भगवान ब्रह्मा जी से कहा, भगवान नारायण भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं कि ब्रह्मा जी तुम समझ नहीं सकते कि शिव है क्या, शिव क्या है समझ नहीं सकते। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, ये जायदाद दी है औलाद दी है, ये जायदाद दी है औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ब्रह्मा जी ने कहा मैं विश्वास नहीं करता। एक पर्वत जिसको घुमाना भगवान विष्णु ने और भगवान ब्रह्मा ने प्रारंभ किया, पर्वत घुमाते 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 अग्नि का खंभ प्रकट हुआ, एक लिंगायत आकृति प्रकट हो गई, शिवलिंग प्रकट हो गया, शिवलिंग प्रकट हुआ तो ब्रह्मा जी ने कहा इनका सिर कहाँ पाऊँ कहाँ। ब्रह्मा जी शिव जी का सिर देखने के लिए आकाश मार्ग से ऊपर की ओर बढ़े। ब्रह्मा जी जब ऊपर की ओर बढ़े, भगवान नारायण शंकर भगवान का चरण ढूंढने के लिए नीचे की ओर गए, भगवान विष्णु को शंकर भगवान का चरण नहीं मिला। ढूंढ रहे हैं, भगवान विष्णु वापिस आ गए, ब्रह्मा जी से कह दूंगा चरण नहीं मिला वापिस। और कितनी विद्वत्ता है मेरे नारायण में, कितनी विद्वत्ता भरी है मेरे भगवान विष्णु में, वो शंकर जी के चरणों को ढूंढने के लिए गए और ब्रह्मा जी की विद्वत्ता देखिए वो शीश ढूंढने के लिए गए। सर जरा विचार करिएगा, पहले भी कथा में कहा है आज फिर कह रहे हैं, पहले के समय में इतना बड़ा क्रीम का डब्बा आता था, ऐसा गोल मुंह का बड़ा सारा, उसमें से ऐसे क्रीम निकाल लो और अपने चेहरे पे लगा लो और डब्बा बंद कर दो। आज के जमाने में बड़े मुंह के डब्बे बंद हो गए, इतना बड़ा ट्यूब जैसा डब्बा आता है, पैकेट आता है ट्यूब का, और उसमें ऐसा ढक्कन लगा रहता है छोटा सा, उसको खोल लो और उसमें नीचे से उसको थोड़ा सा दबाओ, दबेगा तो ट्यूब बाहर आ जाएगा, निकालो और लगा लो। पहले इतना बड़ा डब्बा आता था, इसमें ऐसे उंगली डाल के निकालना पड़ता था, अब क्रीम जैसा आता है ऐसा लंबा, उसको बस ढक्कन खोल के नीचे से दबाओ और वो क्रीम निकल के बाहर और अपने चेहरे पे लगा लो। कितनी ज्ञान की बात इस डब्बे में और इस क्रीम में है, डब्बे में और क्रीम में कितनी ज्ञान की बात है। यहां क्रीम को नीचे से दबाओगे तो ऊपर से क्रीम बाहर आ जाता है, उसी तरह माता पिता के चरण जब तुम दबाओगे तो मुख से आशीर्वाद बाहर आ जाता है, ये शिव तत्व है। बोल बम का नारा है, जब दबे नीचे से चरण क्रीम बाहर, थोड़ा सा ट्यूब दबाया ट्यूब बाहर, उसी तरह माता पिता के चरण, परमात्मा के चरण, गुरुजन के चरण, घर के बुजुर्ग, घर के बड़े, घर के बयो के चरण हम जब पकड़ते हैं तो वो आशीर्वाद हमारे ऊपर दे देते हैं, वो आशीर्वाद हमको प्रदान कर देते हैं, वो आशीर्वाद हमको दे देते हैं, देते हैं। आप एक एक प्रैक्टिकल करिए, आप किसी को भी, किसी चलते जिसको नी भी पहचानते ना, उसको भी सिर पे पल्लू लेकर आप एक बार प्रणाम तो कर लो। आप अगर एक बार प्रणाम कर लोगे ना, आप जिसको नहीं भी पहचानते और उसको अगर आपने प्रणाम कर लिया ना, नहीं पहचानते और उसके बाद भी अगर आपने प्रणाम कर लिया तो आशीर्वाद तो दे ही देगा, क्या बोलेगा, खुश रहो, दूध नहाओ पूतो, प्रसन्न रहो, आनंद में रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, आशीर्वाद तो दे ही देगा। आप जरा विचार करिए प्रणाम करने का फल कितना है, नमन करने का फल कितना है। आपने केवल प्रणाम करा, नहीं पहचाने तो भी आशीर्वाद दे दिया उसने। शिव जी के चरण ढूंढने के लिए भगवान नारायण गए, वापिस आए, ब्रह्मा जी गए, शीश नहीं मिला, गौ माता को लेकर आ गए, केतकी के फूल को लेकर आ गए, दोनों को लेकर सामने खड़े हो गए, भगवान विष्णु से पूछा कि चरण मिला, भगवान नारायण ने कह दिया नहीं मिला, शंकर भगवान के सामने भगवान नारायण ने एक शब्द सत्य
सत्य का बोल दिया, इसलिए उनका नाम सत्य नारायण पड़ गया। और जो सत्य का संबोधन कहा तो शिव जी प्रसन्न होकर कह दिए, नारायण मुझे जो सबसे ज्यादा प्रिय है, सबसे ज्यादा पसंद है, वो सत्य तुमने मेरे सामने बोला है, इसलिए आज से तुम सत्य नारायण भगवान बनकर पूजाओगे, सारी दुनिया में तुम्हारी कथा सत्संग संकीर्तन होगा, तुम सत्य नारायण कहलाओगे। और उनका नाम सत्य नारायण हो गया, सत्य नारायण। ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मदेव अब आप ये बताइए कि आपको शीश मिला है, आपको क्या भगवान शंकर का सिर मिला? ब्रह्मा जी ने कहा हाँ मिला। ना मानो तो गौ माता से पूछ लो, गाय से कहा शीश मिला है? गौ माता ने एक रोटी के लिए झूठ बोल दिया, झूठ बोला। शंकर भगवान ने श्राप दे दिया कि तेरा पूरा शरीर पूजाएगा पर तेरा मुख अपूज्य रहेगा। केतकी के पुष्प ने झूठ बोल दिया, शिव जी ने कह दिया सारे पुष्प मुझ पर चढ़ेंगे, मुझ पर कांटे भी चढ़ेंगे, पत्तियां चढ़ जाएगी, जहरीले से जहरीला फूल मुझ पर चढ़ जाएगा, पर सुन केतकी तू कभी मुझ पर नहीं चढ़े, श्राप दे। फिर भी ब्रह्मा नहीं माने तो अक्रिमन ने फिर झूठ कह दिया। शिव जी ने पांव के अंगूठे से नख तोड़कर फेंका और फेंकते से ही काल भैरव को प्रकट करा, काल भैरव ने नख से ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया, कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई, ब्रह्मा जी झूठ बोलते बोलते लुढ़कते गए। तब भगवान विष्णु ने उनके लिए प्रार्थना करी, उनके शीश से बट का पेड़ वृक्ष मिला। एक विचार करिएगा जरा भीतर से, शिव तत्व कह रहा है, अभी अभी अधिक मास चल रहा है और अधिक मास में प्रयास करिएगा कि जितना बन सके अपनी जिंदगी में उतना शिव तत्व को प्राप्त करने का प्रयास करिएगा। एक जुआरी जरा सा फूल पत्ती भगवान पर फेंक देता है और वो राज सिंहासन पर जाकर बैठ जाता है, तो ये जो सावन का महीने में जो अधिक मास आता है ये कोई साधारण नहीं है महाराज, सावन के महीने में जो अधिक मास आता है ये कोई साधारण नहीं है। किसको मारने के लिए? आप लोग तो सब मेनपुरी के जितने भी श्रोता भाई बहन यहां बैठे हैं सब समझदार हैं, सबने कथा जान रखी है कि मलमास कौन है, अधिक मास कौन है, हम ज्यादा इसका प्रसंग आपको नहीं कहेंगे कि किसको मारने के लिए। केवल हिरण्यकशिपु का संहार करने के लिए नरसिंह अवतार भगवान ने लिया था, वो नरसिंह अवतार लेने के लिए हिरण्यकशिपु ने वर मांगा था, ना नीचे मरूं ना ऊपर मरूं, ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना नर से मरूं ना परशु से मरूं, और ना ही मैं 12 महीने में मरूं। भगवान ने तथास्तु कह दिया था और एक अधिक कर मेरे भगवान ने एक अधिक कर मल मास को प्रकट करा, अधिक मास को प्रकट करा, और अधिक मास को प्रकट कर उसको उस अधिक मास में नरसिंह भगवान प्रकट होकर हिरण्यकशिपु का संहार करे। अब समझने वाली बात देखिए, शिव महा सावन में जो अधिक मास पड़ता है उसका प्रभाव क्या होता है अब समझिएगा जरा। अब जो मलमास है इसको मलमास कहते हैं, एक अधिक हो गया, 12 महीने से एक अधिक हो गया मलमास। तनखा से ज्यादा मिल रहा है, कभी कभी 40,000 रुपए तुम्हारी तनखा है और 40,000 रुपए से ज्यादा कहीं से कमाकर कोई लेकर आया और अपनी पत्नी को दिया और पत्नी पूछ ले जी ये कहां से आया, तो ये समझ लेना कहां से आया हो, स्मरण में रहिएगा। 12 महीने से ज्यादा हो गया मलमास है, कोई भी देवी देवता इसको स्वीकार नहीं कर रहा था, एक भी देवता ने मलमास को सम्मान नहीं दिया। जहां से 12 महीने तो लोग सम्मान देते हैं पर मलमास को कोई सम्मान देने को तैयार नहीं हुआ। मलमास रोता था, देवताओं के पास जाता था, प्रार्थना करता था, मेरा कल्याण करिए, मैंने नरसिंह अवतार धारण करा है, नरसिंह अवतार हुआ है मेरे मास में, तुम कृपा करो। मलमास को कोई नहीं पूछता, सब ईर्ष्या करते, सब नफरत करते, सब उसको पूछते नहीं। तब आखिरी में देव ऋषि नारद ने कह दिया तुम एक काम करो, जैसे ही श्रावण का महीना है सावन के महीने में मलमास, तुम शंकर की आराधना में लग जाना, क्या होगा उससे। अगर सावन के महीने में मलमास के रहा, अगर मैं इतने समय से कर रहा हूं, कई साल निकल गए
पर अभी तक भगवान ना मिले, अभी तक मुझे मेरा आदर ना हुआ, अभी तक मेरा सत्कार ना हुआ, और तुम कह रहे हो कि सावन के महीने का इंतजार करो, श्रावण का महीना जब आएगा तुम शिव की आराधना करना, शंकर भगवान तुम्हारा आदर भी कराएंगे, सम्मान भी कराएंगे, जो तुमको आज तक नहीं मिला वो देव अतिदेव महादेव तुमको दिला सकते हैं, वो दुनिया में कोई नहीं दिला सकता, जो शिव दिलाएंगे, जो घरदानी दिलाएंगे वो कोई नहीं दिला सकता, करो सम्मान। मलमास रो रहा है, सावन का महीना, आपको पहले भी कथा में कहा था सारी समस्या का हल, जम के बोलो, जरा जम के बोलो, एक लोटा जल, पर सावन के महीने में, अरे जम के तो बोलो, दो लोटा जल। अब तुमसे कोई पूछे कि ये लोगों को तो बुद्धि ना जाने दुनिया के लोगों की कहाँ चली गई, हमें तो स्मरण में नहीं आता, दुनिया के लोग जो ये कावड़ लेकर जाते हैं तो कावड़ वाले पर लोग कमेंट्स करते हैं कि कावड़ क्यों ले जा रहे हो, कौन ले जा रहे हो, क्या काम है, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम ये करो, तुम वो करो, क्या रखा है कावड़ ले जाने में, क्या रखा है शिव जी पे जल चढ़ाने में। हम उनको कहना चाहेंगे कभी एक बार मौका मिले तो स्कंद पुराण और स्कंद पुराण का काशी खंड, कभी मौका मिले तो स्कंद पुराण पढ़िएगा और स्कंद पुराण का काशी खंड पढ़िएगा, और कभी मौका मिले तो भगवान शिव के प्रागट्य की यह कथा, ब्रह्मा और विष्णु के घर्षण की कथा का स्मरण करिए, कभी मौका मिल जाए। कितना सुंदर कहा, मलमास जिसको लोग छोड़ दिए, अब शब्द कह दिए, ताने देते हैं, आड़ा टेढ़ा बोलते हैं, वो मलमास सावन के महीने में दो लोटा जल लेकर शिव जी की भक्ति में बैठ गया, बैठ गया शिव की भक्ति आराधना कर रहा, शिव जी की भक्ति कर आराधना कर, दो लोटा जल हाथ में लेकर बैठा है आराधना। सावन का महीना पूर्ण होने वाला है और मलमास भगवान शिव की भक्ति में लगा तो शंकर जी के नेत्र खुल गए, शिव जी ने जाकर पूछ लिया, भगवान देवाधिदेव महादेव ने जाकर, भगवान शंकर ने जाकर पूछ लिया, आखिर बात क्या है। मलमास नेत्र बंद कर हाथ में जल लेकर बैठा शिव जी को समर्पित करने के लिए, शंकर की भक्ति में डूबा था, शिव नाम की भक्ति में तल्लीन तलीन। शंकर भगवान ने पूछा तो पार्वती जी कहती है मलमास है, आप इसको आशीर्वाद नहीं दे सकते, आप इसको वर नहीं दे सकते। शंकर भगवान ने पूछा आखिर कारण क्या है, कब हुआ ये, तो कहा हिरण्यकशिपु को मारने के लिए एक महीना अधिक करा था, एक महीने को आगे बढ़ाया था, ये मलमास ये अधिक मास एक महीना आगे बढ़ा हुआ है इसलिए लोग इससे नफरत करते हैं। शंकर भगवान ने कहा तो क्या हुआ, चिंता मत कर, मलमास के पास शिव जी गए, शंकर भगवान को आते हुए देखकर मलमास ने जल का पात्र धोल दिया, जल का पात्र ले लिया। शिव जी ने पूछा क्या चाहिए तुझको, क्या चाहिए बोल। मलमास कहता है कि मुझसे लोग नफरत करते हैं, देखो राहु भी शिव की आराधना करता है, चंद्र भी शिव की आराधना करता है, लोग कहते हैं ये देवता ब्राह्मण के हैं, ये देवता छत्री के हैं, ये देवता वैश्य के हैं, ये देवता शूद्र के हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया के लोगों ने देवताओं को भले बांट लिया हो, कोई ने कह दिया राम जी छत्री है, तो कोई कहे भगवान कृष्ण ये हैं, तो कोई कहे भगवान ये हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर की आराधना करने वाला ब्राह्मण हो, छत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, भगवान शिव को यह मतलब नहीं है, शंकर जी तो ये जानते हैं कि उसके हृदय में भाव कितना है और मुझे इसकी झोली में देना कितना है, ये शिव तत्व जानता है, उससे मतलब नहीं है मेरे महादेव। शिव जी को उससे कोई मतलब नहीं, तुम क्या कर रहे हो, अब मलमास प्रार्थना कर रहा है, इसीलिए यहां शिव महापुराण की जो कथा कथी है, भगवान देवाधिदेव महादेव का जो कथा वर्णन करती है, शिव तत्व जो वर्णन करता है, हमारे यहां पर सप्त तिथियां पंचदीप वर्णन किया जा रहा है, बहुत ध्यान देना महाराज, सावन के महीने में जो अधिक मास पड़ता है उसमें सात जगह अर्थात सात तिथियां ऐसी हैं जिस दिन पांच दीप का वर्णन किया गया है हमारे शास्त्र में, अब बहुत सावधानी से सुनिएगा, पहली है पंचमी तिथि, अधिक मास सावन का जब मेल हो, अधिक मास सावन के महीने में अगर पड़े और पंचमी तिथि आप अगर शुरू की, मतलब आज भी पंचमी है,
मान लो आज की पंचमी अगर आप नहीं कर पाए तो अगली जो पंचमी आ जाए अधिक मास के महीने में आप वो भी कर सकते। पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा, ये सात तिथियां हमारे यहां सावन के अधिक मास का जो संयोग होता है इसमें ये सात तिथियां, फिर से बोलो, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा, ये वो तिथियां हैं सात, जिन तिथियों में अगर हम पांच दीप घृत के घी के पांच दिए अगर अपने दरवाजे के बाहर केवल भगवान की भक्ति के लिए शिव तत्व की प्राप्ति के लिए, वैसे तो दीप लगाना चाहिए तुलसी के क्यारे के पास लगा दो, मंदिर में लगा दो, या शिवालय पर लगा दो, या देवालय पर लगा दो, और इस कीचड़ पानी में अगर कहीं ना जा पाओ, अगर पानी वानी बरस रहा है, जगह जगह बहुत पानी है, भले इधर क्षेत्र में इतना ना दिख रहा हो पर अन्य क्षेत्रों में बहुत पानी है, तो कोई ना जा पाए तो भगवान का स्मरण कर उन दीप को भगवान के सामने प्रज्वलित कर पांच दिए इन तिथियों में, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या और पूर्णिमा, जो सावन के महीने में अधिक मास पड़ता है उसमें ये सात तिथियों पर जो पांच दीप भगवान के सामने प्रज्वलित कर अपने दरवाजे के पास में बाहर की ओर रख देता है, उसके घर में कभी रोग बीमारी और लक्ष्मी की कोई कमती नहीं होती, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। पर सावन के महीने में अधिक मास के संयोग पर ही होता है, बाकी के समय पर अधिक मास कोई से भी अगर महीने में आ गया, अषाढ़ का आ गया, या कोई महीने में कार्तिक का आ गया अधिक मास, या कोई अन्य महीने में आ गया, तो उसका प्रमाण नहीं है महाराज। सावन के महीने में अगर अधिक मास पड़ रहा है तो ये पांच तिथियां। अब कई लोग कहते हैं गुरु जी पंचमी हम दो लें, दो पंचमी आएगी, दो एकादशी का वर्णन आ जावे, तो हम कौन से, तो यहां एक भी अगर आप कर रहे हो सात तिथियों में से एक भी अगर ये नहीं कर पाओ तो अगली कर लो, अगली नहीं कर पाओ तो ये स्मरण में रहकर उसको करा, मलमास में प्रार्थना करो, शिव जी आकर दर्शन करो, सावन का महीना, मलमास हाथ जोड़कर भगवान शंकर से निवेदन कर प्रार्थना। शंभु शरणे बड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख का दया करी ने दर्शन आपो। मलमास ने प्रार्थना करी, और जब मलमास ने प्रार्थना करी, सावन का महीना, मलमास प्रार्थना करने के लिए जागृत हुआ, शिव जी ने आके दर्शन दिए, देवाधिदेव महादेव ने कहा कि मलमास क्या चाहिए तुमको, कहा प्रभु बस इतनी कृपा कर दो कि सारे देवता मेरा अपमान करते हैं, कोई मुझे पूछता नहीं, कोई मुझे सम्मान देता नहीं, कोई मेरा आदर करता नहीं, आप कृपा करेंगे सब, आप अगर दया करेंगे तो सब होगा, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब को, अगर आप कहेंगे तो सब कुछ हो सकता है। अब शिव जी ने कहा एक काम करो, चलो मेरे साथ, मेरे साथ चलो भगवान नारायण के पास में लेकर चलेगा। और शिव जी मलमास को भगवान विष्णु के पास लेकर जा रहे हैं, जब पहुंचे भगवान नारायण के पास में, जब भगवान नारायण के पास में पहुंचे हैं, नारायण ने जैसे ही देवाधिदेव महादेव को देखा, और नारायण जैसे ही शिवजी को देखे तो उठ के बैठ गए, और बैठते से उन्होंने प्रणाम खड़े होकर करा और कहा प्रभु जी आप पधारे हो, कोई बात है क्या, कैसे आना हुआ, कोई बात है क्या, कैसे आना हुआ, कहा प्रभु ये मल मास है, नरसिंह अवतार का जब समय था तो 12 महीने में से एक महीना अधिक किया गया था, उस अधिक मास को मैं लेकर आया हूं, क्योंकि इसने मेरी शिव भक्ति करी, इसने भजन किया, इसने स्मरण किया, इसलिए मैं उसको लेकर यहां पहुंचा हूं, मैं उसको लेकर यहां पर आया हूं, आप कृपा करिए जिससे ये मल मास को भी सम्मान मिले, ये अधिक मास का भी आदर हो, सम्मान हो, सत्कार। भगवान नारायण ने, भगवान विष्णु ने शिवजी के कहने पर अपना पुरुषोत्तम नाम, जो अपना खुद का पुरुषोत्तम नाम है भगवान नारायण ने, वो पुरुषोत्तम नाम उस मल मास को दे दिया। अब देखिएगा जरा, ये शिव की कृपा से, ये शंकर जी की उदारता से, ये शंकर भगवान की करुणा से प्राप्त हो। शिव कथा कहती है
भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। स्वयं शिव भगवान नारायण के कहने पर मलमास को भी वर प्रदान कर देते। स्वयं भगवान नारायण ने तो वर दिया, साथ में स्वयं देवदिदेव महादेव ने भी वर दिया। और महादेव ने कहा, सुन मलमास, जिस समय पर घड़ी पल नक्षत्र समय बदलते बदलते, तू मलमास सावन के महीने में जब आएगा, सावन के महीने में जब तू पहुंचेगा, और जो अपने हृदय से मेरी आराधना मल मास में, पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में करेगा, शिव जी कहते हैं उसकी जिंदगी में कभी कोई दुख मैं आने नहीं दूंगा। ये शिव तत्व की प्राप्ति, ये शंकर जी के मूल तत्व की प्राप्ति है, भगवान देवादिदेव महादेव की प्राप्ति का अंदर सहज नहीं है। शिव एक पहचान मेरे देवादिदेव महादेव के भीतर हो, जैसे आपको पहले भी कथा में कहा, शिव जी का नाम लेकर भगवान शंकर का स्मरण कर आप डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर जो दवाई दे उसको खाओ, जांच कराए डॉक्टर तो जांच कराओ, औषधि दे डॉक्टर को औषधि खाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े 50 जगह पर डॉक्टर को दिखाने के लिए जाओ और 50 जगह पर जांच भी कराओ, दवाई भी लाओ, डॉक्टर की दवाई पर भरोसा भी करो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, साथ में भगवान शिव का तत्व कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, साथ में शंकर जी पे चढ़ा हुआ एक लोटा जल और एक बेलपत्री का भाव अपने जीवन में उतारना प्रारंभ करिए, ये जीवन का सुख प्रदान कर देगा, ये जीवन का एक आनंद की अनुभूति करा देगा, सारी समस्या का हल। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई जरा दम से बोलो, बोल बम का नारा है। एक बेलपत्र एक लोटा जल का जहाज भगवान देवादिदेव महादेव वर्णन कर रहे हैं, शिव तत्व कह रहा भगवान शंकर की कथा। आया समय, ब्रह्मा जी का सिर बड़ का पेड़ बन गया, बट वृक्ष बन गया, आराधना करी, भगवान ब्रह्मा जी से कहा अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन किया जाए, पहचानना शिव जी को कठिन है। एक बात बहुत ध्यान लगाकर सुनना, बैंक में एक मशीन होती है, बैंक के अंदर एक मशीन होती है, जिस मशीन में नोट की अगर गिनती चलती है तो नकली नोट अपने आप बाहर हो जाता है। बोलो सही है, अरे बोलो तो जम के, सही है ना। हमारे सामने अगर नकली नोट आ जाए तो हम नहीं पहचान सकते, हमारे सम्मुख में अगर नकली नोट आ जाए तो हम नहीं जान सकते, पर बैंक में एक मशीन होती है, उस मशीन पर अगर नोट गिनती हो रही है और उस नोट में अगर नकली नोट आ जाता है तो वह मशीन उस नोट को बाहर कर देती है, नकली है इसलिए बाहर कर देती है। जितने शंकर भगवान के उपासक होते हैं, जितने भगवान शिव की आराधना करने वाले होते हैं, शिव भक्ति में डूबने वाले होते हैं, शंकर का गुणगान करने वाले होते हैं, शंकर की भक्ति में डूबने वाले होते हैं, जैसे नोट की मशीन में से नकली नोट बाहर हो जाता है, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर का गुणगान करने वाला जब रोज रोज शिव के मंदिर में जाता है तो उसके जीवन का दुख भी मंदिर के बाहर हो जाता है, उसके घर से बाहर हो जाता है।